नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला रेजर 5G वर्सेस गूगल पिक्सल 6 प्रो 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करे तो Razer 5G में 6.66 इंच जबकि Pixel 6 Pro 5G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Razer 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Razer 5G में 2.86 इंच जबकि Pixel 6 Pro 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Razer 5G में 0.31 इंच जबकि Pixel 6 Pro 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Razer 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Razer 5G में 192 ग्राम्स जबकि Pixel 6 Pro 5G में 210 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Razer 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Razer 5G में 21:9 जबकि Pixel 6 Pro 5G में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Razer 5G में 6.2 इंचेस जबकि Pixel 6 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Razer 5G में 876x2142 और Pixel 6 Pro 5G में 1440x3120 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Razer 5G में 70.86% जबकि Pixel 6 Pro 5G में 88.5% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Razer 5G में 373 पिक्सल प्रति इंच जबकि Pixel 6 Pro 5G में 513 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Razer 5G में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और Pixel 6 Pro 5G की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Razer 5G में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Pixel 6 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Razer 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Pixel 6 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Razer 5G में Adreno 620 जबकि Pixel 6 Pro 5G में Mali-G 78MP20 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Razer 5G में Qualcomm Snapdragon 765G और Pixel 6 Pro 5G में Google Tensor मिलता है। बात करें RAM की तो Razer 5G में 8GB जबकि Pixel 6 Pro 5G में 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Razer 5G में 256GB जबकि Pixel 6 Pro 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Razer 5G में Android V10 Q जबकि Pixel 6 Pro 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Razer 5G में 2800 mAh जबकि Pixel 6 Pro 5G में 5003 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Razer 5G में एक कलर्स जबकि Pixel 6 Pro 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Razer 5G 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 89,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Pixel 6 Pro 5G की तो वो 12GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 99,860 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटोरोला Razer 5G में 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Google Pixel 6 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Pixel 6 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Pixel 6 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S21 FE 5G है, दूसरा Vivo V23 Pro 5G है, तीसरा Realme 7 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।